तो आप सभी ने वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया होगा। ये वीडियो उस बारे में कि मैंने 2021 में बहुत सी गलतियाँ की थी, अब उस गलतियों से मैं सीख के 2022 जो आने वाला साल है, जो आ गया है, तो उसमें कैसे इम्प्लीमेंट्स लाए। देखो, मैंने जो गलतियाँ की है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इसी गलतियों से आप लोग भी क्या सीख सकते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त, आपका यार शुभम महाजन। तो आज इस बारे में बात करते हैं कि 2021 में जो गलतियाँ की थी उससे मैंने इम्प्लीमेंट करके, मतलब उस गलतियों को सुधार के मैं 2022 को कैसे अच्छे से ब्राइट करता हूँ। तो आज उसके बारे में बात करते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट है ट्रॉमा। ट्रॉमा यानी अब किसी चीज़ से आपको आघात लग गया तो उस बारे में बात है। 2021 में मेरा ब्रेकअप हो चुका था, तो मैं बताऊंगा ना कि ब्रेकअप में मतलब किसके साथ हुआ था, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, किस वजह से ब्रेकअप हुआ, उसके बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि दैट्स प्राइवेट और ये मोटिवेशनल वीडियो है, तो उसके बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन एक चीज़ आती है कि अगर ब्रेकअप हुआ है तो एक सिंपल सी बात है कि इट्स नेचुरल, ये बहुत ही नेचुरल फीलिंग है, हर किसी के साथ होती है, हर किसी के साथ हो भी सकती है। कि अगर जिसका ऑलरेडी कुछ किसी के साथ रिलेशन नहीं हो तो शायद आगे जाके भी हो सकता है, बराबर। मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ हो, लेकिन हो सकता है, इट्स नेचुरल फीलिंग। देखो, अब इस ट्रोमा में से बाहर कैसे निकले हम लोग, तो उसका एक सिंपल लॉजिक आंसर है, मेहनत। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब उसमें से बाहर निकलने के लिए नहीं, लेकिन आप जो ब्रेकअप हुआ है, जो आप ट्रोमा में हो, उसमें जो फंसे हुए, आप डिप्रेशन में हो, तो उसमें से बाहर निकलो और एक मेहनत करो अच्छे से, अपने विज़न को क्लियर रख के। जैसे कि मेरा विज़न है कि मुझे आगे जाके एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है, तो उसके लिए मेरा एक विज़न बहुत ही बड़ा है कि मुझे आगे जाके मेरे वीडियोस पे काम करना है, मुझे अच्छे से फोकस बढ़ाना है। तो ये चीज़ में से निकलने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अब जितने अच्छे से मेहनत करोगे, अपना विज़न अच्छे से सेट करोगे, उस बात पे ही आप उस ट्रोमा में से बाहर निकल सकते हैं। अदरवाइज़ आप वहीं के वहीं फंसे रहोगे अपने डिप्रेशन में, तो वहीं से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है, मेहनत करनी है। सेकेंड पॉइंट है मेंटालिटी। देखो, उस टाइम पे क्या था, 2021 में मैंने एक ऐसी सोच बना के रखी थी, यार मैं यूट्यूब जो कर रहा हूँ उसके व्यूज़ बढ़ नहीं रहे, उसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो शायद मुझे यूट्यूब छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे प्रोफेशनल वीडियोस नहीं बन रहे, मुझे एडिटिंग नहीं आ रहा था। लेकिन कोविड का जब सेकेंड वेव आया था, तब जिम्स बंद हो गए थे। आप सभी को पता है कि मैं एक फिटनेस एक्सपर्ट हूँ, तो मेरा भी जिम बंद हो गया था, लॉकडाउन हो गया था जिम में, तो इसकी वजह से मैं घर पर रह रहा था। तो मैंने टोटली पूरा फोकस मेरे यूट्यूब चैनल पर कर दिया, कि मैंने स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर दिया, एडिटिंग कैसे करना है, एडिटिंग में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है, वही सब स्किल मैं उस दौरान सीखा। जब मुझे कोविड का टाइम मिला, मैं घर पर बैठा नहीं रहा, मैंने अपने स्किल में इम्प्रूवमेंट लाना, मैं डिपेंडेबल नहीं रहा, मैंने कुछ भी करके उस स्किल को इम्प्रूव किया। तो मैंने ये चीज़ सीखी कि तब मेरे 269 सब्सक्राइबर थे, वो बढ़ के 426 सब्सक्राइबर बढ़ गए। तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा अच्छा हाइप मिल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ मैंने बहुत सी अच्छे से सीखी हुई है, मैंने बहुत सी अच्छी सी किताबों में पढ़ी है, नेकी करो और भूल जाओ। इसका मतलब यही होता है कि अगर आप अच्छे काम कर रहे हो ना, तो भूल जाओ उसका आउटपुट क्या आएगा, डजंट मैटर कि उसका आउटपुट कुछ मिलना चाहिए। देखो, मैं यहाँ पे नॉलेज शेयर कर रहा हूँ आपको, अच्छी फिटनेस की, लाइफस्टाइल्स की मोटिवेट वीडियोस बना रहा हूँ। देखो, बढ़ने होगे तब बढ़ेंगे सब्सक्राइबर यार, पर लेकिन क्या है, नेकी करना है और भूल जाना है। तो ये मैंने मेंटालिटी अपनाई, तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ों में। 2022 में मैं ये इम्प्लीमेंट ला रहा हूँ। थर्ड पॉइंट है चेंजेस लाओ लाइफ में। जैसे कि 2021 में मैंने चेंज लाना चाहता था लेकिन मैं ला नहीं पाया, तो वो चेंज ऐसा था कि मैं जब भी मेरे वीडियोस बनाता था यूट्यूब के वीडियोस, तो आपने देखा होगा लास्ट जो वीडियोस थे, तो यहाँ पे वॉल कुछ अलग था, लाइनिंग वाला वॉल था, एक्चुअली वो मेरा घर नहीं था, मेरे दोस्त का घर था। तो मुझे ऐसा था, जब भी मेरे दोस्त के घर पर मुझे अगर वीडियोज़ बनानी होती, तो मुझे बोलना पड़ता था भाई मुझे चाबी मिलेगी घर की, तो मैं वहाँ पे उसकी चाबी लेके उसके घर पे जाके वीडियोस बनाता था। जबकि मुझे, मैं अभी ये भी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये अभी रात के 12:30 बज चुके हैं, 12:30 बजे में मेरे बेडरूम में ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे अच्छा एक जोन मिल गया, मैंने थोड़ा चेंजेस लाया लाइफ में, कि मैं थोड़ा डिपेंडेबल नहीं रह रहा हूँ कि अगर मुझे वीडियोज़ बनानी होगी तो मेरे दोस्त से चाबी मांगनी पड़ेगी, फ़ोन करना पड़ेगा कि मुझे भाई चाबी दो, तो फिर मैं घर में जाके वीडियो शूट्स करूँ। तो मैंने थोड़ा चेंजेस लाया, मैंने एक रेंट पे एक घर लिया 1 BHK का, वहाँ पे खुद का एक रूम रख लिया मैंने, वहीं पे आज वीडियोस बना रहा हूँ, मज़ा आ रहा है वीडियो में। मतलब थोड़ा चेंजेस लाना सीखो लाइफ में, ऐसा नहीं कि अगर आपके पास अगर कुछ आप कर नहीं पा रहे हो, आपके एक
बैरियर आ गया आपकी लाइफ में तो आपको उससे हट के निकलना नहीं, उसको क्रॉस करना सीखो यार। क्रॉस करोगे तभी मज़ा आएगा। थोड़ा चेंजेस लाओ लाइफ में, लाइफ में जितने चेंजेस आएंगे उतना काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके नंबर का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है चैलेंजिंग योर सेल्फ। इसमें क्या होता है कि आपके लाइफ में आपको अलग से चैलेंजिंग लाने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं काम कर रहा था एक जिम में, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे मुझे 20,000 कुछ मिल रहा है अप्रोक्स, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर के नज़दीक है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 20,000 तो कोई भी कमा लेता है। लेकिन नहीं, ये बहुत छोटा माइंडसेट था कि 20,000 कोई यार 20,000 कोई सैलरी थोड़ी होता है। तो मैंने सोचा कि यहाँ से थोड़ा कम्फर्ट जोन से बाहर निकल के मैं उसके बाद 20 किलोमीटर दूर गया, जहाँ पर मुझे फिक्स सैलरी मिल रहा था प्लस इंसेंटिव मिल रहा था पर्सनल ट्रेनिंग का, तो मुझे एक अच्छा जोन मिल गया। तो चलो मैंने सोचा कि सुबह के 6 बजे मुझे पहुँचना होता है, तो मैं 5 मिनट पहले निकलता था जिम जाने के लिए क्योंकि घर के नज़दीक था। तब मैंने सोचा कि ये तो 20 किलोमीटर दूर है और ज़्यादा, तो मैं सुबह 6 बजे पहुँचने के लिए मुझे सुबह के 5 बजे, मैं 5:30 बजे निकलता था और मैं उठता था 4:45 बजे के आसपास कभी, क्योंकि मुझे तब मील्स बनाने थे। तो थोड़ा कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकला, तो आज कुछ ज़्यादा ही कमा रहा हूँ। जब मैंने 20 सोचे थे आज उससे डबल ट्रिपल कमा रहा हूँ। तो यही चीज़ आती है कि अपने आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालना सीखो। लाइफ में जितने चैलेंज आते हैं ना, एक्सेप्ट करना सीखो। जितना एक्सेप्ट करोगे उतना ज़्यादा आप दृढ़ बनोगे, एक सक्षम बनोगे, लाइफ में एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बनोगे। आपको ये समझ लो कि कंफर्ट जोन से जैसे ही बाहर आते हो तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, आगे अपनी लाइफ को कैसे आगे इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आगे चैलेंज को बीट कर सकते हो। वो सारी चीज़ें आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट 5th नंबर का पॉइंट है, डिपेंडेबल नहीं रहना है किसी पे। याद रखना 2021 में ऐसी बहुत सी मैंने गलतियाँ की थी, तो उसके पहले में जैसे मैंने आपको बताया मैंने यूट्यूब चैनल बंद कर दिया था, मैंने कोविड की सेकेंड वेव में घर बैठ के सारी चीज़ें सीखी, एडिटिंग वो सब, तो उसका एक एग्जांपल है। जैसे कि मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ एक सोलो बना रहा हूँ, उसके पहले की जब मैं स्टार्टिंग की जो वीडियो थी तब मेरे साथ मेरे दोस्त थे, 3 दोस्त थे, शुभम डोडिया, सेकेंड करण राजपूत और थर्ड वन इज़ दर्शिल ढबाले। ये तीनों मेरे दोस्त थे, तीनों का अलग अलग रोल था इसमें। जैसे कि अगर मैं ये सब बोल रहा हूँ ये एक्चुअली मेरा स्क्रिप्ट है, मुझे इसके सामने रहना है। पीछे जो कैमरा के पीछे रहेगा वो डायरेक्शन के लिए शुभम रहता था, जो घर का पूरा सेटअप वगैरह करता था वो करण करता था, एंड थर्ड जो यूट्यूब के थंबनेल्स जो बना रहा था वो मेरा दोस्त था दर्शिल। तो मैंने सोचा इसमें क्या था कि जब भी मुझे वीडियोस वगैरह बनाना था, जैसे कि संडे पोस्ट करना था, तो कभी शुभम का जॉब ऐसा था कि वो बैंक में एक क्लर्क है, तो बैंक में उसके ड्यूटी की वजह से तो उसको टाइम नहीं मिल पा रहा था एडिटिंग्स वगैरह करने का या डायरेक्शन देने का। करण का भी वैसा ही था, उसका जॉब वगैरह था। दर्शिल खुद के जॉब के सिलसिले में आउट ऑफ स्टेशन चला गया, तो मुझे एक ही दिक्कत आ गई कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं तो इन लोगों पर डिपेंड था। तो मैंने सोचा कि मुझे खुद से सीखना चाहिए, अगर मैं ऐसे ही डिपेंड रह गया तो मुझे कहीं ना कहीं ज़रूरत आती रहेगी। अगर मैं इसके बाद मैंने जो सेकंड वेव आया तो मैं ये सारी चीज़ें सीखा, एडिटिंग करना, या अभी कि आप जो वीडियोस देख रहे हो ना उसकी एडिटिंग मैं खुद कर रहा हूँ, उसके थंबनेल्स भी मैं खुद बना रहा हूँ। तो ये जो वीडियो सारे जो बना रहा हूँ ना मैं, तो इसके एडिटिंग्स मुझे पता चल गया कि कैसे बनाना है। एक बार एडिटिंग आप सीख लेते हो ना, एडिटिंग सीखने के बाद आपको पता चल जाता है कि आपको एक्टिंग भी कैसे करना है। इस वीडियो में आपको पता चल जाता है कि इसके बाद कौन सा जो टॉपिक रहेगा वो कौन से टॉपिक पे आपको बात करना है, उस सारी चीज़ें सब चीज़ों में कवर होती है। तो इसीलिए किसी पे भी डिपेंडेबल मत रहो, अपने आप को ग्रो करते रहो, जितना हो सके सेल्फ करो, जितना सेल्फ करोगे उतना ज़्यादा शाइनिंग करोगे, उतना ज़्यादा ग्रो करोगे। वो याद रखा है ना, हीरा जब खींचता है तभी उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो याद रखो जितना खींच रहे हो ना उतना ही ज़्यादा चमकोगे। तो दोस्तों ये थी 5 ऐसी बातें मेरे लाइफ की कि जिसकी वजह से क्या है 2021 में मैंने जो गलतियाँ की है उससे मैं सीख कर 2022 को बहुत ही अच्छे से ब्राइट करना चाहता हूँ। इसमें बहुत से अलग तरीके के विजन्स मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, अपने आप को सेल्फ को ग्रो करना चाहता हूँ। जितना ज़्यादा ग्रो करोगे उतना अच्छा होगा खुद के लिए। और मैंने जो 2021 में जो गलतियाँ की थी वहाँ से तो मैं सीखा, लेकिन 2021 में मैंने बहुत सी मेहनत भी की थी दोस्तों। तो मैं यही सोचता हूँ कि 2021 में मैंने जो मेहनत की ना 2022 में उससे भी ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा और उससे भी ज़्यादा और शार्प बनूँगा। तो बस यही थी जो मेरे लाइफ के लेसन्स थे। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये मेरे लाइफ के रिगार्डिंग है। लाइफ के रिगार्डिंग मेरे नहीं, ऐसा भी नहीं बोल सकते, लेकिन इस चीज़ों से आप लोग भी बहुत सी चीज़ें सीख सकते हो।
तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब जितने अच्छे बढ़ेंगे उतना मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलता है। चलो कोई नहीं, नेकी करो और भूल जाओ, वो बात याद रखना है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर रैप अप करता हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइज, ओवर एंड आउट।